सोलन में कोरोना कर्फ्यू इसलिए लगाया गया था ताकि सभी जिलावासी सुरक्षित रहें और कोरोना उन्हें छू न पाए, लेकिन इस कर्फ्यू से लोगों की सुरक्षा तो प्रदान हो चुकी है, लेकिन आर्थिक संकट अभी भी मंडराना शुरू हो गया है। आमदनी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। लोगों ने बिजली, पानी, टेलीफोन और कूड़े के बिल बदस्तूर जारी रहने की बात कही है। यही वजह है कि शहरवासियों के माथे पर अब चिंता की लकीरें दिखने लग पड़ी हैं। शहरवासियों ने कहा कि सरकार ने पहले 10 दिन का लॉकडाउन किया, फिर उसे बढ़ाया, उसका वे स्वागत करते हैं। ये फैसला आवश्यक भी था क्योंकि कोरोना की चेन को तोड़ना अति आवश्यक था। उन्होंने कहा कि लेकिन अब दूसरी समस्या पैदा हो गई है जिससे लोग आर्थिक तौर पर अस्थिर महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहां लोग मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं, वहीं सरकार को चाहिए कि वे लोगों को कोई ना कोई राहत प्रदान करे, क्योंकि बिजली पानी के बिल में कोई भी छूट नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी लोग बेहद परेशान हैं, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। अब उन्हें सरकार से मदद की कोई आस जरूर है। हमारा करियाने का काम है, हमारे को डर तो बना रहता है, जैसे कि इस टाइम जितने केस चल रहे हैं, काफ़ी केस आ रहे हैं, उसके चलते हमें भी डर बना रहता है कि कोई ऐसा कोई केस हमारे उसमें ना आ जाए। जिस हिसाब से ये जो बीमारी है बढ़ रही है, उस हिसाब से तो नुकसान तो है सबका, आम आदमी का भी है, सबका नुकसान हो रहा है। हमारा भी सब्जी का काम 2-3 घंटे खुल रही है, लेकिन कोई काम नहीं है, हमारा काम बिल्कुल जीरो हो गया। जिनकी दुकानें नहीं खुल रही उनका तो काम बिल्कुल बंद है, लेकिन जिस हिसाब से बीमारी है तो इसके लिए तो अब सरकार जो डिसीज़न लेंगी, हम सरकार के साथ हैं, और जो भी आगे की जो सरकार की एडवाइज होगी हम उसका पालन करेंगे। इस विषय में मैं सरकार के जो भी इंतज़ाम इस कोविड टाइम में चले हुए हैं, नंबर एक तो काबिले तारीफ है, लेकिन इन चीज़ों से हटकर भी हमें सोचना पड़ेगा। लॉकडाउन का विकल्प क्या है, सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए। मीडियम क्लास लोगों के पास ना बिजली के बिल देने के पैसे हैं, ना पानी के बिल देने के पैसे हैं, राशन तक के पैसे मीडियम क्लास लोगों को वह खत्म होने के कगार पर है। जब तक मीडियम क्लास लोग कमाएंगे नहीं, खाएंगे कैसे? सरकार की तरफ से इस विषय में ना पिछले लॉकडाउन में समझा गया, ना इस लॉकडाउन में समझा गया। कम से कम जनता को राहत देने के लिए सरकार को सोचना चाहिए। सरकार को चाहिए पब्लिक को राहत देने के लिए कम से कम बिजली के बिल और पानी के बिल माफ किए जाएं जब तक लॉकडाउन लगा है। जो लेबर है, जो डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं, उनको तो बहुत मुश्किल आ रही है। पहले उनको खाने को नहीं मिल रहा है, और आगे अगर सिचुएशन ऐसे ही चलती रही तो इस वजह से फिर देश में बहुत लोगों की मौत होने वाली है। आधी कोरोना से होगी और आधी भुखमरी से होगी, स्टारवेशन से होगी।